साल था 1962 और भारत और चीन के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई थी, लेकिन इस युद्ध में भारत कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया और इसका सबसे बड़ा रीजन बताया गया कि चीन माउंटेन वॉरफेयर टेक्निक्स जानता था लेकिन भारत सिर्फ फ्लैट सरफेसेस पर ही लड़ पाता था। लेकिन इसके बाद जब थोड़ा और गहराई से सोचा गया तो कमजोर पक्ष और निकल कर आया और वो ये था कि इंडिया के पास उस तरह के वेपन्स और एम्यूनिशन कैरी करने वाला कोई पावरफुल व्हीकल ही नहीं था। और यहीं पर यूएस आर्मी के जनरल ओमर बार्टली की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दी गई एक स्टेटमेंट याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जंग में नौ सिखी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जबकि प्रोफेशनल्स लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं, और बेहतर लॉजिस्टिक फैसिलिटी ना होने का भारत को ये नुकसान हुआ कि भारत 1962 की वो जंग हार गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसके बाद भारत ने कैसे इतने बेहतरीन ट्रक्स बनाए जिन्होंने भारतीय सैनिकों का हर टेरेन में साथ दिया है, चाहे वो पहाड़ हो या फिर गर्म रेगिस्तान में। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी स्टेल इन ट्रक्स। दोस्तों कहते हैं बिना हथियार के कोई भी सेना अधूरी है, और भारत जैसे देश के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि इन डेडली वेपन्स को हमारी सेना के साथ एक दूसरी जगह कैरी करने वाले पावरफुल व्हीकल कहाँ से आते हैं जो न सिर्फ वेपन्स को कैरी करते हैं बल्कि खुद भी एक वेपन की तरह देश को अपनी सेवा देते हैं। लॉजिस्टिक्स यानी हथियार, दवाइयाँ और राशन को किस तरह अपने ट्रूप्स तक पहुँचाया जाए, और इसी में हमारी आर्मी की मदद कर रहा है अशोक लैंड का स्टेलियन ट्रक जो कि आज इंडियन आर्मी की लाइफलाइन है। स्टेलियन ट्रक में ऐसा क्या खास है और क्यों ये चीन, पाकिस्तान और साउथ कोरिया जैसे देशों से भी बहुत आगे है, आज आपको इसी पावरफुल ट्रक और इंडियन फोर्स की दोस्ती के बारे में बताएंगे जिसने इंडिया को अंदरूनी मजबूती दी है। आज जब भी हम मिलिट्री व्हीकल्स की बात करते हैं तो बड़े बड़े टैंक्स या फाइटर एयरक्राफ्ट दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन इन सब को लेकर भारत के सामने बहुत अलग अलग चैलेंजेस भी हैं चीन और पाकिस्तान के साथ। भारत जो अपने बॉर्डर से शेयर करता है उसमें एक तरफ जहां रेगिस्तान का इलाका आता है वहीं दूसरी तरफ सियाचिन जैसे बर्फीले रास्ते भी आते हैं, और साथ ही गलवान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों में तेजी से ट्रूप्स के साथ साथ हथियारों और बाकी सप्लाईज को मूव करने की भी जरूरत पड़ती है। स्टेलियन ट्रक्स कारगिल के युद्ध में भी हमारे सोल्जर्स तक सप्लाईज पहुंचाने का काम कर रहे थे, और माना जाता है कि इन्हीं ट्रक्स की वजह से हमने कई सारी कैजुअल्टीज के होने को रोका भी है, और ये करने के लिए स्टेलियन ट्रक्स का नाम ही काफी है। आज के समय में ये ट्रक्स रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी, रडार्स जी और यहाँ तक कि अग्नि 2 जैसी मिसाइल्स को भी कैरी करने में कैपेबल है। हाउ दीज ट्रक्स आर क्रिएटिंग डिफरेंस। बात ट्रक की हो तो सबको लगता है कि भला ये क्या चेंजेस ला सकता है, तो हम ऐसे देश में बढ़े हैं जहां घर घर तक दूध पहुंचाने से लेकर इसरो के रॉकेट को साइकिल पर कैरी किया गया है। एक ट्रक कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस एम्यूनिशन और लॉजिस्टिक कैरी करने वाले दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले काफी कम होता है। फिर साथ ही हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले इसमें ज्यादा सोल्जर्स को कैरी भी किया जा सकता है, और क्योंकि ट्रक्स लगभग हर ट्रेन में चल सकते हैं इसलिए आप इन्हें उन इलाकों में भी आसानी से उतार सकते हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, आज रूस के खिलाफ लड़ने वाली यूक्रेनियन आर्मी भी अशोक लीलैंड के इन्हीं ट्रक्स को यूज कर रही है। हालांकि उन्हें ये ट्रक्स डायरेक्टली भारत से नहीं मिले हैं बल्कि पेट्रो पोरोशेंको नाम के एक यूक्रेनियन बिजनेसमैन ने अशोक लीलैंड से ये ट्रक्स खरीद कर अपनी आर्मी को प्रोवाइड किए थे। आज भारत के पास करीब 75,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ट्रक्स हैं, और ये ट्रक्स हम सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। सऊदी अरेबिया से लेकर वेस्टर्न अफ्रीका तक इनकी यूनिट्स हैं। इन सब चीजों से एक बात तो पक्की है कि इस ट्रक को लेकर दुनिया के काफी देशों में इंटरेस्ट है, पर इंडियन आर्मी के अंदर इस ट्रक की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। व्हाई दीज पावरफुल व्हीकल्स नीडेड। जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे पास ब्रिटिश आर्मी के लीलैंड हिप हॉप ट्रक्स हुआ करते थे जो फ्लैट लैंड सरफेस पर चलने के लिए तो ठीक थे लेकिन एक्सट्रीम हाइट्स में नहीं चलाए जा सकते थे। इसी की वजह से सबसे पहले आर्मी में शक्तिमान ट्रक्स की एंट्री होती है, लेकिन ये सिर्फ नाम में ही इंडियन था जबकि असल में तो हमने ये जर्मनी से खरीदा था, और शक्तिमान ट्रक्स असल में जर्मनी के मेन 415 ट्रक्स थे जिसके प्रोडक्शन राइट्स इंडियन आर्मी ने खरीद लिए थे। 1959 में आया ये ट्रक एक मीडियम साइज 4x4 ट्रक था जो कि ट्रूप्स और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था।
इसके बाद इसके कुछ अलग वेरिएंट्स बनाए गए जो आर्टिलरी ले जाने में भी सक्षम हो गए थे और साथ ही सेंसर सिस्टम्स और शेल्टर कॉन्फ़िगरेशंस को भी कैरी कर सकते थे। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में इन्हीं ट्रक्स का यूज किया गया था, लेकिन 90 का दशक आते आते इंडियन आर्मी को अब एक मेजर अपग्रेड की जरूरत थी। तब अशोक लीलैंड ने ये जिम्मेदारी उठाई और 1987 में लॉन्च हुए अपने कार्गो ट्रक्स में उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस करके उसे आर्मी के यूज के लिए सुटेबल बनाया। अब 1994 में उन्होंने ये ट्रक्स आर्मी को टेस्टिंग के लिए हैंडओवर कर दिए थे और फिर आर्मी ने इसे हाई ऑल्टीट्यूड, डेजर्ट और क्रॉस कंट्री टेरेन्स पर टेस्ट करके देखा और वो इससे काफी इम्प्रेस थे। इसके बाद 10 अगस्त 1998 के दिन अशोक लीलैंड ने अपने स्टेलियन मार्क 3 ट्रक्स को प्रोड्यूस करने का लाइसेंस जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री को दिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती थी और यहीं पर इंडियन आर्मी के व्हीकल्स बनाए जाते थे। स्टेलियन ट्रक ने फिर धीरे धीरे शक्तिमान ट्रक्स की जगह लेनी शुरू कर दी। इन ट्रक्स की सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स थे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इसका 5.7 लीटर WO6 DTI टर्बोचार्ज्ड इंजन था जो कि टोयोटा ग्रुप के अंडर आने वाली कंपनी हीनो ने बनाया था। ये इंजन करीब 117 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और इसका टॉर्क भी 495 NM का था जो कि आने वाले समय में 800 NM तक पहुंच गया था। स्टेलियन ट्रक अपने शुरुआती मॉडल में एक 5 टन का 4x4 हाई ग्राउंड क्लियरेंस ट्रक था, लेकिन इसके कुछ मॉडल्स करीब 7.5 टन तक का वेट कैरी कर सकते थे जबकि इसका खुद का वेट 7.4 टन था, यानी कि ये अपने वेट से भी ज्यादा वजन कैरी कर सकता था। ये इतना बड़ा एडवांटेज है, अगर आप उसे समझना चाहें तो आइए दुनिया के बाकी ट्रक्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इस समय M35 सीरीज के ट्रक्स हैं जो कि 6x6 की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और 5.8 टन के ये ट्रक्स सिर्फ 2.5 टन का ही मैक्स पेलोड कैरी कर सकते हैं। इसके बाद साउथ कोरिया के पास M939 ट्रक्स की बात करें तो वो भी 6x6 की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और 10 टन का वेट होने के बावजूद भी सिर्फ ये 5 टन का ही वेट कैरी कर सकते हैं। चाइनीज आर्मी की बात की जाए तो उनके पास सोवियत यूनियन द्वारा डेवलप किया गया URAL-4320 ट्रक है जिसका वेट 9 टन है, लेकिन ये भी 6 टन की ही वेट कैरी कर सकता है और यही ट्रक्स इन देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वहीं भारत के स्टेलियन ट्रक्स का वेट 7.4 टन है, लेकिन कैपेसिटी 7.5 टन का वेट कैरी करने की है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान के M35 की टॉप स्पीड 93 किलोमीटर पर आर है, चाइना के URAL-4320 की टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आर है और साउथ कोरिया के M939 की टॉप स्पीड 89 किलोमीटर पर आर है, जबकि भारत के स्टेलियंस की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आर है। इसलिए इसकी पावर टू वेट रेशियो भी इन सभी ट्रक से बहुत बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आज इंडियन आर्मी के पास स्टेलियन के सिर्फ 4x4 वाले मॉडल्स ही नहीं बल्कि अशोक लीलैंड ने इसके कई सारे वेरिएंट्स डेवलप कराए हैं जिनमें सुपर स्टेलियन 6x6 ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है और फिर 2012 में डिफेंस एक्सपो में सुपर स्टेलियन 8x8 भी लॉन्च किया गया था जिसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी 12 टन की है। 2014 में सुपर स्टेलियन 10x10 को लॉन्च किया गया था और आज तो इंडियन आर्मी के पास सुपर स्टेलियन के 12x12 वेरिएंट्स भी हैं जो कि अग्नि 2 जैसी मिसाइल्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अपने रिपब्लिक डे की परेड में इन्हें आपने जरूर देखा होगा। अशोक लीलैंड ने एक फील्ड आर्टिलरी ट्रक भी अपने 6x6 ट्रक के प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया था जिससे कि युद्ध में मुश्किल टेरेन्स पर इन ट्रक्स के पीछे आर्टिलरी गन्स यानी तोपे बांधी जा सके। इसके अलावा स्टेलियन का एक आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर वर्जन भी है जो कि हर तरफ से बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ ट्रक है और इनका इस्तेमाल कश्मीर जैसी सेंसिटिव इलाकों में सोल्जर्स को यहां से वहां ले जाने के लिए किया जाता है। इस समय स्टेलियन के 4x4 और 6x6 वेरिएंट्स लगभग हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर चाहे वो ट्रूप करियर हो, आर्मर्ड कैब हो, ट्रूप कैरियर्स विद क्रेन हो, फ्यूल बाउजर हो, वाटर बाउजर हो या फिर रिकवरी व्हीकल। इन ट्रक्स को एक ISO कंटेनर जो कि लिक्विड या गैस फॉर्म में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक फायर फाइटिंग ट्रक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रीम हाइट्स पर जाने के लिए 4x4 और 6x6 के ट्रिपर ट्रक वेरिएंट्स भी हैं जो बिना किसी मुश्किल के इस टेरेन पर स्मूथली रन कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो आज इस ट्रक के 2.5 टन से लेकर 30 टन के वेट को कैरी करने वाले कई वेरिएंट्स इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी है
है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्रक सिर्फ इंडियन आर्मी के काम ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज अगर हम कोई भी नया व्हीकल डेवलप करते हैं तो इस पक्ष की ओर भी खूब ध्यान दिया जाता है कि क्या हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट जो रखा है। और अब हमारा प्लान है कि हम एक नेट इम्पोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर बनने की तरफ भी कदम बढ़ाएं, खासकर डिफेंस के फील्ड में, क्योंकि इससे आपके पास पैसा तो आएगा ही, लेकिन साथ ही आपके पास इन्फ्लुएंस भी आ जाएगी। आज अमेरिका और रूस जैसे देशों ने जो अलायंस का एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, उसमें उनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। इसके साथ ही जब आपके पास खुद हथियार या फिर इस तरह की गाड़ियां प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रहती है, तो जंग के मैदान में आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं और ना ही आपको किसी के ऑर्डर सुनने पड़ते हैं। सोचिए, जो हथियार आज अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, अगर यूक्रेन वो खुद बनाता तो उन्हें अमेरिका की नहीं सुननी पड़ती और वो रूस की सरहद के पार जाकर भी हमला कर सकते थे। लेकिन इस समय क्योंकि वो अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अमेरिका ने उन्हें रशियन बॉर्डर्स को पार करने से रोका हुआ है। खैर, स्टेलियन के अलावा और भी ऐसे कई जेम्स हैं इंडियन आर्मी के पास, क्या आप उनके बारे में भी अलग से एक वीडियो चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।